ये गाय देख रहे हैं ना आप, तो ये यहाँ से होते हुए नीचे आ जाती है, कभी कभी ऊपर से कूद मार जाती है और सारी जो मैंने सब्जी लगाई रहती हूँ ना इधर को, वो खा देती है। और इस बिल्ली को देखिए, इतना डरती है ये, और दूध पीने के लिए अंदर ही आती है। बना रही हूँ मैं सूजी का ढोकला। तो मैंने 1.5 कप के बराबर सूजी ली है और उसमें डाला 1/2 कप के बराबर दही। तो ये दही ज़्यादा खट्टी नहीं है, उसमें डाल दिया हल्दी कलर के लिए और उस सबको कर लिया मिक्स। तो यहाँ पर मैं पानी ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा पतला घोल करने के लिए। उसके बाद इसमें नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा तेल ऐड करके इसको ढक के रख दूँगी, जो कि सूजी थोड़ी देर फूल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक के थोड़ी देर 15 मिनट के लिए रख दिया है और सूजी एकदम यहाँ पर फूल चुकी है और तैयार हो गई है। तो हल्का सा पानी मिला लीजिए और इस तरह का घोल तैयार कर लीजिए। अब इसमें फुलाने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है इनो, आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने एक डब्बे में डाल दिया है और मेरा स्टीम पहले से ही रेडी है, तो इसके अंदर मैंने इसको रख लिया है और ढक्कन बंद करके मैं 15 या 20 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। तो ये बिल्कुल पक चुका है, एकदम तैयार हो गया। अब बनाऊंगी तड़का। तो तड़के में मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब तेल और उसके बाद डाला है यहाँ पर सरसों दाने, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सूजी का ढोकला है एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना हुआ है। और इसे चटनी के साथ या सॉस के साथ आप सर्व करें। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।